नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन में। इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के तहत हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना जो पहला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है, वर्ष 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में इसमें इन्होंने पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है काजुओ इशिगुरो, बी है फ्रैंक मॉरिस, डी है डेनियल कैग, और जो डी दिया हुआ है वो है नताओ सिनहुई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है काजुओ इशिगुरो। इसके डिस्क्रिप्शन में हम देख रहे हैं द स्वीडिश एकेडमी हैज सेलेक्टेड जापानीज बोर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ठीक है, ये जापान के जो है जापान में पैदा हुए अंग्रेजी जो नॉवेलिस्ट हैं काजुओ इशिगुरो, उम्र इनकी है 62 साल, को जो है वर्ष 2017 के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए साहित्य में चुना गया है। ठीक है, इनको इनको जो है वर्ष 1989 में 1989 में मैन बुकर प्राइज़ भी जो है दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस जो है प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ आयोजित किया गया है। इसके जो ऑप्शन हैं वो है मुंबई, जयपुर, उत्तराखंड और न्यू दिल्ली। तो इसका जो उत्तर है वो है नई दिल्ली। हाल ही में जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिक्योर हिमालया क्या है। इसमें पूछा है सिक्योर हिमालया के बारे में। ठीक है, तो जलवायु से संबंधित योजना ऑप्शंस में है, बी दिया हुआ है हिमालय की चढ़ाई से संबंधित, सी जो है वो है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित, और जो डी है उनमें दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित ये योजना। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देखूं तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सिक्योर हिमालया, अ 6 ईयर प्रोजेक्ट टू एनश्योर कंजर्वेशन ऑफ लोकली एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जैव विविधता से संबंधित है सिक्योर हिमालया प्रोजेक्ट। ठीक है, लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए, और अगर मैं बात करूँ तो 4 स्टेट में जो है ये फैला हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश उनमें है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड और सिक्किम, इन 4 राज्यों में जो है ये योजना जो है फैली हुई है सिक्योर हिमालया। अगला जो सवाल है वो है, वर्ष 2017 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य हेतु दिया गया। ठीक है, इसमें पूछा है एक क्षेत्र का नाम किस क्षेत्र में कार्य हेतु दिया गया। ऑप्शंस में है ग्रेविटेशनल वेव्स, बी है इलेक्ट्रिसिटी, सी है सनशाइन, और जो डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ए, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए। ठीक है, मैं अगर डिस्क्रिप्शन में देखूँ तो इसमें दिया हुआ है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हैज सेलेक्टेड 3 अमेरिकन साइंटिस्ट। इसमें है रेनर वीज करके नाम है, बैरी सी बैरिस एंड किप एस थॉर्न करके हैं, जिनको जो है वर्ष 2017 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, माथ्रू पूर्णा या पूर्ण करके जो है वो स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें माथ्रू पूर्णा स्कीम के बारे में पूछा है। ऑप्शन में है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। जो इसका आंसर है वो है कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन जो है वो ए सही है इसमें। इसमें दिया है दी कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मातृपूर्णा स्कीम टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इन रूरल एरियाज ऑफ दी स्टेट। ठीक है, तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा जो है मातृपूर्णा स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली जो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप पूछा है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप का जो है नाम पूछा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है मिहिर, बी है सिविर, सी है वोस्ताक और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी। डिस्क्रिप्शन में हम देख रहे हैं रसिया लॉन्च्ड सिविर, साइबेरिया से सिविर वर्ड बना हुआ है SIBIR करके। ठीक है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिप, तो ये जो शिप है उसका नाम है सिविर और ये रूस का है। अगला क्वेश्चन है, WHO की डिप्टी DG, ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है। WHO के DG का नाम इन्होंने पूछा है। इसमें जो ऑप्शन है वो है सौम्या स्वामीनाथन, बी दिया हुआ है एस स्वामीनाथन, सी है सौम्या रंगनाथन और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो इसका आंसर है वो है ए। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देखूं तो डॉक्टर स्वामीनाथन इज करंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो है ये जो है डायरेक्टर रही हैं डॉक्टर स्वामीनाथन करके, और इनको जो है WHO की डिप्टी DG जो है नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। अगला जो क्वेश्चन है वो है ETT का संबंध है। इसमें पूछा है ETT क्या है, उसका संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शंस में है पशु से, बी दिया हुआ है मनुष्य से, सी है सेवा से और जो डी है वो संचार यानी कम्युनिकेशन से। ठीक है, ऑप्शंस में जो आंसर है वो है ए, यानी पशु से, ये लाइव स्टॉक से जो है संबंधित है।
पशु से, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जो ETT है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ETT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजीज वर मेल एंड फीमेल जेनेटिक मटेरियल कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो है पशु से ETT संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने व्यापार और संचार, ठीक है, व्यापार यानी ट्रेड और संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो बायलेटरल जो एग्रीमेंट किया है वो पूछा है, किस देश के साथ में किया है। ऑप्शंस में है जिबूती, बी दिया है इथियोपिया, सी है साइप्रस और डी है केनिया। तो इसमें जो आंसर है वो है बी यानी इथियोपिया। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखूँ तो इसमें दिया हुआ है द एग्रीमेंट वॉज साइंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सेकेंड लेग ऑफ हिज मैडन विजिट अब्रॉड टू जिबूती एंड इथियोपिया। ठीक है, तो ये इथियोपिया के साथ में जो है व्यापार और संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय जो है समझौता भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस कास्ट की सब कैटेगराइजेशन, ठीक है, किस कास्ट की सब कैटेगराइजेशन हेतु 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ऑप्शंस में है जनरल कैटेगरी, फिर इसमें दिया हुआ है SC ST और OBC। इसमें कास्ट की जगह आप कैटेगरी बोल सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी पूछा है जनरल SC ST और OBC। तो जो इसका जो आंसर है वो है डी OBC कैटेगरी, एंड इट विल बी हेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जी रोहिणी। तो जो ये जिस कैटेगरी के लिए ये सब कैटेगराइजेशन हुआ है वो है OBC कैटेगरी, और इसको जो हेड कर जो इसका हेड होंगे वो होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जिनका नाम है जी रोहिणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।